सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा से एक अस्थायी प्रावधान था और इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण करना था, ना कि अलग करना। कोर्ट के इस फैसले से ये बात स्पष्ट हो गई कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर भारतीय कानून लागू होंगे और साथ ही कश्मीर में हर भारतीय को वो सभी हक मिलेंगे जो देश में सभी नागरिकों को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने विशेष कानून को निरस्त करने और सरकार की क्षमता को चुनौती देने वाले मामले में सोमवार को अपना निर्णय सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 35 दिनों में 16 सुनवाई की और सितंबर की शुरुआत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को फैसले की घोषणा करते हुए न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने अपने सर्वसम्मति से लिए गए फैसले में विशेष दर्जा समाप्त करने के मामले में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को वैध करार दिया। बता दें, संविधान पीठ ने इस साल 5 सितंबर को 23 से ज्यादा मामलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को आशा की किरण बताया और नया जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ये फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं है, ये आशा की किरण, उज्जवल भविष्य का वादा और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के लिए हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। तो वही दूसरी ओर अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, अदालत ने लद्दाख को भारतीय क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित करने के लिए नई दिल्ली के कदम को भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवालों पर सरकार के पक्ष में जवाब दिया। पहला जवाब कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की अद्वितीय और विशेष स्थिति पर दिया। दूसरा जवाब कोर्ट ने क्या अनुच्छेद 370 संविधान का अस्थाई या स्थाई प्रावधान है इस पर दिया। और तीसरा जवाब कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रभावी निरस्तीकरण से संबंधित प्रश्न के मामले में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए चुनाव करवाने के निर्देश दिए और आदेश दिया कि इस राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।